उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के बाद ऋषिकेश आईडीपीएल के निर्माणाधीन 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरडीओ के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निर्माणाधीन अस्पताल के पूरे लेआउट के अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पताल को दो सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 250 और 250 बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में लिक्विड पेट्रोलियम प्लांट लगाने के साथ ही यहां 24 घंटे बिजली बैकअप की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा फार्मेसी लैब की भी व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं। यह युद्ध की स्थिति है और हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार से जो सहयोग की आवश्यकता है उसके बारे में तत्काल बताया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य को सुविधाओं के विकास में भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी में प्रदेश को अब तक 5 मुख्यमंत्री दिए हैं, बावजूद इसके आज तक पौड़ी में स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर नहीं उतर पाई हैं, जिसका ताजा उदाहरण है कि पौड़ी अस्पताल में टांके लगवाने के लिए भी धागा नहीं है। पौड़ी के गडोली में आज 3 वर्षीय बालिका खेलते हुए गिर गई, जिसमें उसका होंठ कट गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया, जहां चिकित्सकों की ओर से बताया गया कि उनके पास टांके लगाने वाला धागा नहीं है, या तो वह बाजार से खरीद के लाएं या श्रीनगर जाकर टांके लगवा सकते हैं। गडोली निवासी व जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस विनोद धनोसी ने बताया कि जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो वह स्वयं अस्पताल पहुंचे, जहां देखा गया कि बेटी के परिजन उसे लेके श्रीनगर गए। वहां सर्जन संक्रमित थे, फिर धागा लेके परिजन पौड़ी अस्पताल आए और लंबे प्रयास के बाद बिटिया को टाके लगाए गए। कहा गया कि यह पौड़ी का दुर्भाग्य है कि पीपी वार्ड में संचालित हो रहे अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर जनता से मात्र छलावा किया जा रहा है। विनोद भाई, आज आपके गांव का एक प्रकरण आया है, क्या प्रकरण है पूरा? ये हमारे गांव से है और एक 2-3 साल की बच्ची है जो घर पे गिर गई थी और उसका होंठ कट गया। तो ये करीबन 12-1 बजे करीबन ये हॉस्पिटल आए थे यहाँ पे इंद्रेश पौड़ी में, तो उस पर टाँके लगने थे और टाँके इनके पास वो धागा अवेलेबल नहीं है ये जो इन्होंने बताया है, परंतु इन्होंने बच्चे को भी टाँके लगाने से भी मना किया है और इन्होंने धागा भी नहीं है, दोनों चीज़ मना करके उसके बाद उसके परिजनों को और बच्चे को श्रीनगर भेज दिया। श्रीनगर जाने के बाद वहाँ पे भी बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पे सर्जन जो हैं वो संक्रमित हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला है। उसके बाद ये फिर वापस श्रीनगर से बच्चे को लेके और धागा खुद खरीद के पौड़ी आए हैं और अभी भी यहाँ पे धुलमुल रवैये से इन लोगों के साथ बातचीत हो रही है कि कभी कह रहे हैं कि कोरोना की टेस्ट लाओ, कभी कुछ, इस तरीके से ये आनाकानी करने पर लगे हुए हैं। वहीं अस्पताल के इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर मुकेश भट्ट ने इस बात को स्वीकारा है कि उनके पास मरीज को टाका लगवाने के लिए धागा उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते बालिका को टाका नहीं लगवाया गया। परिजन स्वयं श्रीनगर से धागा लेके आए, जिसके बाद बालिका को टाके लगवाए गए। ये बताएं, कुछ लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें टाइम पर टाका नहीं लग रहा है, सर क्या दिक्कत होगी सर जो लोगों को टाइम पर टाका नहीं लग रहा है? कई बार ये हो गया है ना सर, क्योंकि जैसे अभी छोटा बच्चा है 3 साल का जिसको लेके आए हैं अभी, तो छोटे बच्चे में जो कैटगेट चाहिए या 30 चाहिए, जो वाइक्रोल चाहिए, कई बार ये शॉर्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट एंड से, तो उसमें हमें फिर ये चीज़ों का देखना पड़ता है कि भाई कैसे कैसे, अगर हमने किसी और धागे से सूचर किया तो वो फिर नुकसान हो जाएगा, लिप्स में जो है डिफॉर्मिटी आ जाएगी, टेढ़ा जुड़ जाएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम जो है थ्रेड के बारे में फिर कॉन्शियस रहते हैं। तो जब आपके पास धागा अवेलेबल नहीं होगा तो फिर कहाँ से मुहैया करवाते हो आप लोग? तो फिर कोशिश करते हैं कि हम श्रीनगर में अगर अवेलेबल है तो, या फिर हमारे पास कहीं लोकल में परचेज कर लें वो कहीं से भी, लेकिन ये एक कोशिश यही रहती है क्योंकि सर्जन तो अवेलेबल है, सीनियर सर्जन भी अवेलेबल है, जूनियर सर्जन भी अवेलेबल है, कई बार ये चीज़ों की कमी की वजह से हमें फिर ये सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। अभी भी जो है वो बच्चे को लेके आए हैं, अभी सूचरिंग हो रही है और वो भी वो खुद खरीद के लेके आए हैं श्रीनगर से, तब सूचरिंग हो रही है। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।